देवी यह भी ध्यान रहे कि यदि दानव लोक वासियों को इसका पता चल गया तो वे आपको ये व्रत नहीं करने देंगे। नहीं नहीं देवर्षि, अपने सुहाग की रक्षा के लिए मैं किसी को भी इस विषय में जानने नहीं दूंगी। तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। नारायण नारायण। कल्याणमस्तु। पिताश्री, आपने मेरा स्मरण किया, मेरे योग्य कार्य। पुत्र नारद, तुम्हें पता है कि जो कुछ तुम कर रहे हो उससे देव कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। क्षमा करें पिताश्री, आपका तात्पर्य किस कार्य से है? तुलसी को व्रत करने का परामर्श देकर तुमने नियति की गति को रोकने का प्रयास किया, नियति के पथ में रोड़े अटकाए। पिताश्री, मैं जानता हूं कि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है, इसलिए जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि उनके पति शंखचूड के जीवन पर संकट आने वाला है तो मैंने उनको उसकी सूचना दे दी और उस संकट से मुक्ति का मार्ग भी बता दिया। प्रिय नारद, यह सच है कि मैंने शंखचूड को वरदान दिया है, किंतु उसके भाग्य में मृत्यु भी लिख दी और उसके लिए पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही है। तुलसी को शंखचूड से विवाह करने का परामर्श देने के पीछे मेरा यही उद्देश्य था। किसी भी कार्य के लिए कारण की रचना तो करनी ही पड़ती है। तुलसी का सतीत्व जब तक भंग नहीं होगा, शंखचूड गांत नहीं होगा। पिताश्री, मैं यही तो नहीं चाहता। तुम्हारे चाहने और ना चाहने से क्या होता है? जब नियति यही चाहती है, जब भाग्य का लेख यही है और जब लक्ष्मी और विष्णु के पुनर्मिलन का यही मार्ग है। मैं समझ गया पिताश्री, मैं सब समझ गया। ये जो कुछ भी घट रहा है या घटने वाला है, ये सब मेरे नारायण की इच्छा से हो रहा है, ये सब पहले से निश्चित है। पिताश्री, मेरे नारायण की लीला ही अलग है। धन्य हो प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। हे देवी भुवनेश्वरी, ये समस्या तो उलझती ही जा रही है। इन परिस्थितियों में, इन दानवों के बीच क्या तुलसी अपना व्रत पूर्ण कर पाएगी? क्यों महादेवी, आपको ऐसा संदेह क्यों हो रहा है? हे भुवनेश्वरी, ये तो सभी जानते हैं कि दानव भगवान विष्णु के विरोधी हैं। पता नहीं दानवराज शंखचूड तुलसी की बात मानेंगे या नहीं। उनकी अनुमति के बिना तो व्रत नहीं कर पाएगी ना। हे महादेवी, आपका संदेह निराधार नहीं है, किंतु अब इसमें कोई अधिक विलंब नहीं है। वो देखिए, दानवराज शंखचूड अपने कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हे मनमोहिनी,
को प्रकृति रूपी कवि की सुंदर रचना कहूं या देवताओं के वेद की कोई ऋचा? बस बस, इच्छा हो रही है कि इस रात्रि में आपके साथ रथ पर कहीं दूर निकल जाऊं, जहां वन हो, कोई झरना हो, दुग्ध शीतल चांदनी हो, हम हो और एकांत हो। मैं चलूंगी स्वामी, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर अवश्य चलूंगी, किंतु आपसे एक विनती है। कैसी विनती? मैं दानव लोक का महाराज हूं और आप दानव लोक के महाराज की हृदयेश्वरी हैं। विनती नहीं, आदेश दीजिए। स्वामी, मैंने आपको अमर करने के लिए एक व्रत करने का निर्णय लिया है। यदि 6 मास तक हम पति पत्नी नहीं, एक आदर्श प्रेमी प्रेमिका की भांति रहें, एक निकटतम मित्र की भांति रहें, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? प्रिय, पहली बार मांगा भी तो क्या मांगा? आपके स्नेह पाश में मैं इस भांति जकड़ा हुआ हूं कि 6 मास तो क्या 6 युग तक आपकी प्रतीक्षा कर सकता हूं। स्वामी, मैंने जो मांगा आपने मुझे दे दिया, और प्रश्न तक नहीं किया कि मैंने क्या मांगा। इसकी आवश्यकता भी नहीं, जो मेरी प्राणेश्वरी है, हृदयेश्वरी है, जो अपने माता पिता का त्याग करके मुझ अपरिचित के साथ सारे दानव अपरिचितों में आ गई, जिसने मुझसे विवाह करते समय मेरे जीवन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न नहीं किया, उससे मैं कोई प्रश्न करूं? असंभव है। आपने जो मांगा मैंने दिया, और आपके इस मांगने भी दानवों का कल्याण है। कल्याण? कैसा कल्याण? आप मुझे 6 मास के लिए अपने स्नेह पाश से मुक्त कर रहे हैं। अब मैं इन्हीं 6 मासों के भीतर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारी सृष्टि पर दानव लोक की विजय पताका फहराकर दिखा दूंगा। गुरुदेव, महाराज शंखचूड़ युद्ध पर जाने से पहले आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा हूं, आइए। यशस्वी भव, विजयी भव, विराजी। Thank you.
वत्स शंखचूड़, ये मंत्र से अभिषिक्त शस्त्र है। इस शस्त्र के समक्ष देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र तेजहीन हो जाएंगे। मैं आपका आभारी हूं गुरुदेव। मैंने अपनी अर्धांगिनी तुलसी को यह वचन दिया है कि मैं 6 मास में त्रिलोक विजयी होकर लौटूंगा। ऐसा ही हो वत्स, किंतु प्रस्थान से पूर्व कुलवधु तुलसी के हाथों से इस खड का स्पर्श अवश्य कराना। वो विजय तिलक करने के लिए महल में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। यशस्वी भव, लो वत्स, विजयी भव। पिताश्री, अब 6 मास के पश्चात ही आपके दर्शन होंगे। पुत्र, विजयी भव पुत्र। मंत्रों द्वारा निर्मित खड्ग मेरे पुत्र को देकर मुझे निश्चिंत कर दिया। फिर भी मैं पिता हूं, मेरे मन में महाराज दम। आप निश्चिंत रहिए, वत्स शंखचूड़ को वरदान है, जब तक उनकी पत्नी का सतीत्व भंग नहीं होता उसे कोई नहीं मार सकता। और संसार में कोई भी प्राणी, यक्ष, गंधर्व, दानव, देवता, कोई भी ऐसा नहीं है जो कुलवधु तुलसी के सतीत्व के तेज के आगे टिक सके। स्वामी, मेरी कामना है कि आप विजयश्री प्राप्त करके लौटे। जब तक आप लौटेंगे नहीं, तब तक मैं अपने व्रत का पालन करती रहूंगी, आपके ध्यान में खोई रहूंगी। प्रिय, गुरुदेव का आदेश है कि आप इस खड्ग को स्पर्श करें। आपका स्पर्श इसमें विद्युत शक्ति भर देगा। जो आज्ञा स्वामी। स्वामी, पूरे 6 मास तक मेरी दृष्टि द्वार पर लगी रहेगी। यहां केवल तुलसी का शरीर रहेगा, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण तो आपके साथ जाएंगे। प्रिय, मैं भी तुम्हारी छवि नेत्रों में बसाकर तुम्हारे इस पावन तेजस्वी मुखमंडल को अपने हृदय में अंकित किए जा रहा हूं। विदा दो प्रिय। स्वामी, मैं अपने नेत्र बंद कर लेती हूं। आप कृपया अपने कर्तव्य पालन को जाइए। आपकी यही स्मृति मेरे नैनों में बंद रहेगी।
स्वामी, आपके विरह में ये 6 मास न जाने कैसे कटेंगे, न जाने मुझ पर मेरे मन पर क्या बीतेगी। शंखचूड़, कौन है आप देवी? मैं महाराज धर्मध्वज की पत्नी और तुलसी की मां हूं। आइए, स्वागत है आपका। मैं तुमसे एक निवेदन करने आई हूं। निवेदन नहीं, आदेश दीजिए। पुत्र, तुम अपने इस अभियान को रोक दो। आप क्या कह रही माताश्री? उस अभियान को रोक दूं जो मुझे त्रिलोक विजयी बनाएगा? उस अभियान को रोक दूं जिससे असुरों की विजय पताका 3 लोकों पर फहराएगी, जिससे देवलोक मेरे अधीन होगा? पुत्र, अभी तो तुम्हारा विवाह हुआ है, मेरी पुत्री के हाथों की मेहंदी भी अभी तक नहीं सूखी है। ऐसे समय पर तुम अपने जीवन को क्यों संकट में डाल रहे हो? आप कदाचित नहीं जानती कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। तब तो तुम्हें अपनी शक्ति का रचनात्मक उपयोग करना चाहिए, जन कल्याण के लिए करना चाहिए। आप जो कहती हैं वो मनुष्यों के सोचने की सीमा है। असुरों का मार्ग इससे आगे है, बहुत आगे है। पुत्र,